प्राणी एक बात बोली अवतार, अरे किस कारण से प्रियतम प्यारे हो हर गई कन्हा की बदल रूहानी कहा ये चेहरा उतरा हुआ जो दिखाई दे रहा है क्या हुआ प्रभु? किस कारण से प्रियतम प्यारे कई कन की बदली रूहानी है, अब क्या चिंता दिल में लगी भाई, चेहरा से डर के गया पानी है। चेहरा पे खिलो सन्नाटा क्या हो गया? कोई संत भूखा चला गया क्या? राज्य में घाटा हो गया क्या? अरे कोई गलती हो गई हमसे? क्यों दुखी हो? चेहरा उतरा हुआ क्यों है बताओ? हरिश्चंद कहने लगे, रानी अब हम बता नहीं सकते पर हमें तो ये लग रहा है अब हमारे सब घर परिवार वाली छूट जाएंगे। तारा बोली, क्या हुआ प्रभु बताओ ना, क्या हुआ महाराज? हरिश्चंद कहने लगे हैं, आज एक महात्मा जी आए हैं, उन्होंने हमसे दान मांगा, बातों ही बातों में तिरवाचा बरवा लिया, कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया, सब कुछ राजपाट नहीं का हो गया है। रानी अब बताओ क्या करोगी? रानी तारा भी दुखी हो गई। तब तक पुत्र रोहित आस आया, बोला पिताजी आंसू क्यों हैं तुम्हारे आंखों में? मैया तुम भी दुखी लग रही हो, क्या कारण है? हरिश्चंद ने अपने लाला को गोदी उठाया, लाला रोहित लगता है कि अब हमें तुम्हें भटकना पड़ेगा, ये सब राज्यपाट को महात्मा जी ने मांग लिया है। रोहित ने जवाब दिया, पिताजी महात्मा जी का कुछ रह तो नहीं गया? आहा, अगर रह गया हो तो तुरंत उन्हें हाजिर कराया जाए। बोले 60 बार सोना और बचा है। रोहित बोला चलो बेचने चलेंगे, हम भी चलेंगे, माता जी को भी ले चलो, तुम भी चलो, कहीं बेच जाएंगे और 60 बार सोना महात्मा जी को दे देंगे। वाह भाई वाह, हरिश्चंद तो सत्यवादी थे वो थे, लेकिन रोहित उनसे भी ज्यादा सत्यवादी निकला। कितना बड़ी कितनी अच्छी सीख बताई राजा को कि महात्मा जी से कहो कि हमें चल करके कहीं बेच दें। तीनों प्राणी बातें कर रहे थे तब तक विश्वामित्र आए। अरे हरिश्चंद क्या रो रहा है? क्या घर में आया और बैठ करके रोना धोना चालू कर दिया? महाराज रो नहीं रहे। फिर क्या कर रहे हो? अरे हम सब आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत जी? शायद तुम्हें नहीं मालूम है, नहीं देना है तो मना कर दो, मैं तो अभी लौट जाऊंगा। नहीं महाराज, मैं आपका दान बिल्कुल दूंगा। अच्छा जी, मेरे भागवत के प्रेमियों, रोहित कहने लगा महात्मा जी ले चलो, हम तीनों प्राणियों को कहीं बेच दो। तारा बोली बेचना वही जहां धर्म की जगह हो,
हमारा धर्म नष्ट न हो जाए। तो बताया है कि काशी में चल करके बेचा कि काशी शंकर जी के त्रिशूल पे बसी है, ऐसा बताया जाता है। तीनों प्राणी बेचने जाने के लिए जब तैयार हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र दरबार में आए, सर का मुकुट उतारा, महात्मा जी के सर पे पिता दिया, राज से वस्त्रों को उतार उतार करके राज में रख रहे हैं। और जब राज से वस्त्रों को उतारा है, अब तो राज के लोगों की दशा खराब हो गई। महाराज कहाँ जा रहे हो? इन महात्मा जी को तुमने राज्य दे दिया, इस भोली प्रजा को छोड़ करके मेरा भोला राजा आज कौन जा रहा है? कोहराम मचा हुआ था अवध में लोगों। जब हरिश्चंद्र घर से चले, भयों अवध में सोर, जीव जंतु रोने लगे, कौंकन लागे मोर। जब राजा हरिश्चंद्र चले, हाथ जोड़ के प्रजा के लोगों से कहा, प्रजा के लोगों, जब तक मेरा राज रहा तब तक हरिश्चंद्र ने किसी को दुखी नहीं रहने दिया। अब ये महात्मा जी चाहे दुखी रखें चाहे सुखी रखें, राज्य सभा में कभी विघ्न पैदा नहीं करना। ये हरिश्चंद्र तो आज जा रहा है। विश्वामित्र बोले, अरे हरिश्चंद्र उपदेश न दे, अरे प्रजा मेरी हो गई, हम दुखी रखें तो सुखी रखें, तुझे चलना है तो जल्दी चल और नहीं चलना है तो मना कर। हाथ जोड़ करके अपनी राजधानी में विनती कर रहे हैं अंतिम बार आज हरिश्चंद्र कि अब प्रणाम करो राजदानी, अब प्रणाम पूरी जन्मभूमि पूरी मातृभूमि, आज तलक तू रही हमारी, अब ही गई पिलानी, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई पिलानी, आज तलक तू रही हमारी, अब ही गई पिलानी, खान पान मेरा छूट गया, छूटो पीने को पानी, अब प्रणाम करूं राजधानी। और प्रणाम करने के बाद जब हरिश्चंद्र थोड़ी आगे को बढ़े, प्रजा के लोग बबक बबक करके रो रहे थे, अरे राजा, ऐसा राजा आज तक कोई न मिला और न कोई मिलने वाला है। जनता को ये लग रहा था कि आज हजारों बिच्छुओं ने टंक चुभो दिए हों। राजा हरिश्चंद्र के पीछे पीछे आने लगे। हरिश्चंद्र बोले, लौट जाओ प्रजा के लोगों, इस प्रजा का मालिक अब मैं नहीं हूँ, प्रजा के मालिक ये महात्मा जी हैं, हमें बेच करके लौट कर यहीं आएंगे, हम लोग बेचने जा रहे हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता भक्तों। आज एक राजा, अब बाग में जाते ही जाते राजा से बेकारी विश्वामित्र ने बना दिया। चारे गई अब भी उदासी छाई, और बीच में जा रहे तीनों प्राणी, दुख सब पे आना है, ऐसा कोई नहीं है कि दुख ना आए, दुख तो सब पे आना है। आए गई अब गई उदासी छाई, बिछवे जा रहे तीनों प्राणी,